केंद्र और दिल्ली सरकार में टकराव के बीच शुक्रवार को कुछ ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुश हो गए। दरअसल केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के 45,000 कर्मचारियों को पक्का कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से लेटर लिखकर दी गई सूचना का खुलासा करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की है। गृह मंत्री का आभार जताते हुए केजरीवाल ने कहा कि अस्थायी नौकरी से इन हजारों लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकारों का काम अपने कर्मचारियों तथा जनता का ख्याल रखना होता है। मैं इन कर्मचारियों की नौकरी पक्की किए जाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभारी हूँ। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि NDMC के 45,000 कर्मचारियों को पक्का कराने के लिए उनके साथ मिलकर लंबा संघर्ष किया, अतः इन्हें पक्का कर दिया गया। इसके लिए केंद्र सरकार का आभार, सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई। 2019 में NDMC के इन कर्मचारियों को पक्का करने के लिए प्रस्ताव पास किया था और इसे मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया था। अब केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार का आभार ऐसे समय पर जताया है जब लंबे समय से दोनों के बीच अधिकारियों को लेकर टकराव चला आ रहा है। दोनों ओर से एक दूसरे पर तीखे शब्द बाँट चलाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।